चैनल का नाम है इनका, यूट्यूब चैनल का नाम है बुलेट सिंह वन। ये थैंक मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, मजा आ गया, शुक्रिया, मजा आ गया। पर तीन बार मेरी आंखें खुली, एक बार 2 बजे लगा कि सुबह 5 बज गया और एक बार एग्जैक्ट 4:30 बजे की सुबह 5 हो गया, सुबह 5 बज गया। तो अब फटाक से इस पैकअप करते हैं, फ्रेश होते हैं, एक बार बाहर से हम देखते हैं नज़ारा। ये है बाहर का नज़ारा, पीछे बारिश जैसा मौसम दिख रहा है और इधर सनराइज हो रहा है, बहुत प्यारा। वाह, नंगे पैर चलने में कितना अच्छा लग रहा है इस पर। दिस इज़ द रियल एंड दिस इज़ द इफेक्ट। ये रहा अपना कैंपिंग का लोकेशन, देखिए किस तरह मैंने यहाँ पे सेफ जोन में पार्क किया था कि ना कोई आ सके ना कोई जा सके, और उस तरफ अपनी बाइक एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये रात को गेट बंद हो गया था, तो गेट बंद हो गया मतलब भाई बहुत सेफ जोन था कैंपिंग के लिए। वहाँ पे बंदर, इस एरिया में काफ़ी बंदर है। अरे भाई, जहाँ बजरंग बली रहेंगे वहाँ उनके बजरंग बली का बंदरों से बहुत कुछ लेना देना है। वानर सेना है ये उनकी पूरी। तो इंजन स्टार्ट आज के सफ़र के लिए, और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं विशाखापट्टनम की ओर। तो बाय बाय बजरंग बली जी, अब हम चल रहे हैं आगे। चश्मा निकालूंगा, पहले ये खोलना पड़ेगा चश्मा पहनने के लिए मुझे। अब इस चश्मे के वजह से जो सन का लाइट आ रहा है ना, वो मस्त फिल्टर होकर आंखों पे आएगा। क्या बात है, लेकिन अब वो सन का जो लाइट है ना, ऐसा फट रहा है इसके ऊपर। अब जो यहाँ पे है, चाय का टेस्ट हो गया चेंज, मतलब जो केरला कर्नाटका साइड में और तमिलनाडु में चाय का टेस्ट था, अब यहाँ पर चाय थोड़ा अलग है। तो देखिए सामने उनका मशीन, तो ये मैनुअली नहीं है, मशीन से चाय बन के आ रहा है। थोड़ा सा टेस्ट इसका अलग है, मतलब चाय पत्ती का टेस्ट थोड़ा अलग आ रहा है। सो मुझे अभी पता चला कि मैंने माइक ज्वाइंट किया ही नहीं था, अच्छा हुआ अभी देख लिया, वरना आगे तो मैं ऐसे जाते रहता, व्लॉगिंग करते रहता, बाद में मालूम पड़ा किसी फाइल में आवाज़ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। सुबह सुबह बहुत ही अच्छा ठंडी लग रहा था, हाँ सही था, अब ये दोबारा बोल नहीं पाऊँगा मैं, ऐसा लग रहा है भाई, क्योंकि हम स्क्रिप्टेड वाले व्लॉग और डायलॉग नहीं मारते, अपना एकदम नेचुरली है, जो चल रहा है, जो बता रहे, जो दिख रहा है सो बता रहे। यहाँ पे हमें ना गूगल का यूज़, मैप का यूज़ करना पड़ेगा विजयवाड़ा से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि विजयवाड़ा बहुत बड़ा है, 360 किलोमीटर। अरे वाह, पहुंच जाएंगे आराम से। हाँ, ये लगता है कोई फ्रूट का पेड़ है यार, ये जो है ना कोई फ्रूट का ही पेड़ लग रहा है। कुछ भी मतलब आप पब्लिसिटी करने के लिए कुछ भी करते हैं, देखो ना पेड़ को पूरा वो थैली लपेट दिया है। और यहाँ पे एक आया ब्रिज, अब ये थोड़ा मैप में तो बड़ा ब्रिज दिख रहा है, और यहाँ थोड़ा ट्रैफिक भी हो गया। और सुबह सुबह एकदम एग्जैक्ट जो टाइमिंग है 7:45 हो रहा है, मतलब ऑफिस पहुँचने का टाइम है ये एकदम। वाह यार, बहुत क्लीन दिख रहा है यार, मतलब ये नदी बहुत क्लीन दिख रहा है, यहाँ का जो देख रहे हो सुबह सुबह साफ सफाई चालू है। एक्चुअल में पेमेंट इनका अच्छा खासा होना चाहिए, जो साफ सफाई साफ सुथरा रखते हैं इस देश को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, इनको अच्छा तनख्वाह अच्छा सब कुछ मिलना चाहिए, तो इनको ही कुछ नहीं मिलता है। और उस तरफ शायद से इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, ये ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है। एक और मेरे पीछे देखिए कैसे अंकल आ रहे हैं, अंकल आइए आगे आइए जल्दी आइए, आपको दिखाना है। ये देखिए, ये है उनका जो स्टाइल था, पुष्पा स्टाइल था। हमारा विजयवाड़ा का पहला सिग्नल लग चुका है, पीछे बहुत से सिग्नल थे लेकिन वहाँ पर चालू नहीं था, जस्ट वो येल्लो जल रहा था। तो जब येल्लो मतलब अभी कैसे वो रेड जल रहा है, जब वो येल्लो जल रहा होगा पीला कलर का, तब समझना कि तब सिग्नल काम नहीं कर रहा, तब आप आराम से क्रॉस कर सकते हो। मतलब एक बात तो सच यार, विजयवाड़ा में जो साफ़ सफाई रखा है रस्तों के ना, रस्तों पे एकदम बहुत क्लीन रखा है, कोने कोने के जो मट्टी होते ना वो प्रॉपर निकाला है, जिसके वजह से बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर हमें पुलिस वालों की मदद करनी पड़ेगी, उनका गेट खुला है। गेट ओपन है, गेट ओपन है, गेट गेट
गेट गेट ओपन है। यस यस मुंबई मुंबई हाँ यस यस। ऐसे बात करना सेफ नहीं होता, उनको भी पता नहीं है। हाईवे पे बात कर रहे, मैं तो उनकी मदद कर रहा था। सो ये कैमरा चालू नहीं हुआ, मैंने दो बार इसको चालू करने की कोशिश की। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो रास्ते बहुत ही अच्छे, अब क्या हो रहा है कि लगता है कि जब रास्ते बने ना तब ब्रिज नहीं बना, ब्रिज जो है अब बन रहा है। तो अब हर जगह ना, हर मतलब हर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के पर ना ये ब्रिज का काम स्टार्ट हो गया है। तो जिसके वजह से थोड़ा राइडिंग और लोगों का ड्राइविंग स्लो हो गया है। हर 4-5 किलोमीटर पे नए नए ब्रिजों का काम चालू है। अभी जैसे देखिए ये ब्रिज हमने क्रॉस किया, साईं बाबा जय जय साईं बाबा। तो आगे देखिए एक और ब्रिज वहाँ पे आ गया। तो हो रहा है आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे अपने इंडिया के रोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 94, ये लगता है इसका स्पीड है, इट्स बैड। तो ये बहुत सही सिस्टम है यार। ज़रा हम देखें तो कैमरा और सेंसर सामने लगा है, अभी किसी का स्पीड चेक करेंगे। कार इसका स्पीड तो पता नहीं चलेगा, योर स्पीड, मेरा तो कुछ स्पीड ही नहीं है भाई, मैं तो शांत रुका हूँ यहाँ पे। ओके इसका स्पीड, ओहो नॉर्मल है, शायद पकड़ नहीं पाया, नॉर्मल स्पीड है ट्रक का। सो कंफ्यूज हो गया था वो कि कैसा क्यों हम करते हैं, सामान वामान लेके घूमते हैं बाइक पे। सो मेरे से लगता है हाईवे छूट गया। ये जो हाईवे पीछे, ये कौन सा दूसरा हाईवे, 16 हाईवे अंदर गया है। ये रहा यहाँ का लोकल नाश्ता, ये सब्जी है कुछ तो, और ये पर रोटी है, और एक आमलेट भी कर देना अंकल। आमलेट, हाँ आमलेट। धूप बहुत है इसलिए चेहरा जो है पूरा ऑयली दिख रहा है। अभी है मेरे पास एक अच्छा सा शैम्पू है, शैम्पू मतलब बॉडी वॉश है, उससे मैं क्लीन कर लूँगा ये खाने के बाद। ये ट्राई करो, ये कैसा है। अच्छा यार। सो सामने अपनी बेबी टाइगर, और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ही दुकान है, मतलब दुकानें अंदर है, और ये जो बनाने का जो दुकान है वो आगे, हर दुकान ऐसा ही है। यहाँ पे राइट 20 या 25 किलोमीटर से ऐसी राइड कर रहा हूँ, ऐसी दुकान देख रहा हूँ, सभी का जो बनाने का जो ये है वो एकदम आगे है। तो आगे जैसे ओपन में ही बनाते हैं, ओपन में कुछ शेडो वीडो रहता नहीं है। तो हमने भी इसमें से दो पराठा और ऑमलेट खाया, जो कि 70 रुपये में आया। मतलब पता नहीं पराठा और रोटी कितने का था और ऑमलेट कितने का था, बस 70 रुपये लिए। काफ़ी महंगा हो गया यार, मुझे और पैसे बचाने पड़ेंगे, अब अगली बार नाश्ते पे ध्यान देना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो हाईवे है ना भाई, नया हाईवे बना है, और इतना मतलब रूल्स रेगुलेशन इस पर है ना भाई, 2 किलोमीटर आगे से यू टर्न मार के आना पड़ रहा है मेरे को। एक बहुत ही प्यारा लोकेशन दिखा है जहाँ पे हम रेडी हो सकते हैं, अगर वो अंकल वहाँ पे रहे तो परमिशन लेके। इसको खड़ा करना सबसे ज़्यादा डेंजरस का काम है। ऐसे बहुत कम टाइम मिला है यहाँ पे नहाने के लिए, हर जगह ना चीटी चीटी है। ओके बहुत कुछ करना पड़ता है। बाय। यस बाय बाय कोलकाता, अभी कोलकाता। अन्ना बंद हो गया, वेट 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 बंद मत करो, अभी ब्रश करना बाकी है, नहाने का वॉश, यहाँ पे ब्रश हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है, ये जो धूप है आई थिंक जो 11:30 बजे का धूप होगा, मैंने देखा नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई बुलेट भाई ये क्या है, मतलब पटपट आए, पटपट नहाए धोए, उससे अच्छा आप होटल में जाके अच्छे से नहा धो ले रहे थे। भाई अगर होटल में जाएंगे नहाने धोने के लिए अच्छा खासा टाइम चला जाएगा, और नेचुरली ऐसे नहाएंगे धोएंगे जो कि पूरे गाँव वाले नहाते, बचपन में आपने नहाया रहेगा, हम नहा रहे हैं यहाँ पे, इट्स नेचुरल यार। इसमें जो मजा है ना, ये तो हमेशा करेंगे नहीं, अभी ऑल इन राइड पर निकले हैं तो मजा कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं कैमरे के पीछे और ऐसी लाइफ जी रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे एक नारियल पानी वाला है जो कि बहुत ही सस्ते में नारियल पानी देगा। ओके वहाँ पे चलते हैं हम। सो हम रेडी हो गए यहाँ पे, और मैं आपको एक और चीज
मुझे अपना जो राइडिंग गेयर है ना ये चेंज करना है, खाली मतलब जैकेट और शू ये दो चीज़ अपडेट करना है और हेलमेट तीसरा। तो अपडेट करेंगे कि 2019 से मैं राइडिंग जैकेट यूज़ कर रहा हूँ और ऑनेस्टली अभी तक ज़बरदस्त है, लेकिन इसका रंग जो थोड़ा फीका हो गया है और अपनी बाइक है रेड कलर की, तो थोड़ा इससे मिलता जुलता हम देखेंगे, या फिर भविष्य में कुछ अच्छी बाइक आ गई तो उससे मिलता जुलता देखेंगे। और कितना छोटा छोटा नारियल है, हाँ उधर देखो सेम है भाई। अन्ना हाउ मच, हाँ कितने का, कितने का कंफ्यूज, थैंक यू सो मच, हाँ नो 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। 29 2 2 इसमें यस यस, तो ये इसमें बहुत पानी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें बांध के दो एक्स्ट्रा लेके जाऊँ, जहाँ मन चाहेगा वहाँ पे हम ये पियेंगे। मैंने एक छोटा सा रील वीडियो शूट किया है इनकी बाइक के साथ और मेरी बाइक के साथ, भैया ने आए थे तो शूट कर दिए, उनको तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। अब वो ट्राई कर रहे हैं कि नारियल को कैसे इसमें बांधे, ये बहुत मुश्किल है, बट हो जाएगा तो मज़ा आएगा, आगे कहीं भी हम बैठ के मस्त नारियल पानी पी सकते। आह ये आ गया चश्मा, अन्ना बांधो इसमें, यस यस कलकत्ता गोइंग अन्ना इस, मैंने बोला कोलकाता जा रहे हो तो अन्ना बोलते कलकत्ता, यस आओ अन्ना, टूटेगा तो नहीं ना, ऐसा टूटेगा नहीं ना, ओके कूल अन्ना ग्रेट आइडिया, ओहो नाइस। मेरी जिंदगी में मैं इतना नारियल पानी कभी नहीं पिया जितना आज पिया, 100 रुपए में 5 नारियल जिसमें पानी और मलाई इतना भर के था, इतना भर के था कि मेरा पेट ऐसा भर गया पूरा। सो 3 तो मैंने पिया और 2 देख लो यहाँ पे बांधा है ये है अन्ना स्टाइल। तो ये आगे अपने को काम आएगा, आगे भाई कहाँ 50 और 40 का मिलता है उसके दुकान के सामने ही पीऊँगा मैं नारियल पानी अब चलते आगे बढ़ते, बहुत मज़ा आया भाई, नहाने में मज़ा आ गया, नारियल पानी पीने में मज़ा आ गया। अरे यार गाना बंद हो जाए यार, काम कभी कभी नहीं करता, कभी इतना अच्छा काम करता है ना यार कसम से। हाँ बंद हुआ। सो इस टोल पे पता नहीं ट्रैफिक क्यों है, दोपहर के 11:40 अभी हो रहे, अरे यहाँ ट्रैफिक है भाई, मेरा नारियल मत गिर जाना, बहुत कीमती नारियल है, इतने दूर से लेके आ रहा हूँ सस्ते में, ये दिल बोलता है कहीं तो रुक के आराम करो। पहला टोल नाका दिखा जहाँ पे मुझे ट्रैफिक दिखा, ये है वो पहला टोल नाका, पता नहीं यहाँ पे क्यों ट्रैफिक है। और यहाँ पे आया बहुत बड़ा नदी, फाइनली एक बहुत बड़ा नदी दिखाई दिया है, ओ वाओ उधर कौन सा ब्रिज है वो देखो। सो ये बहुत बड़ा नदी है, नीचे बोट भी है पर बोट में कोई घुमाता नहीं और नहा भी सकते यहाँ पे, वाओ बहुत बड़ा नदी है, तो पहाड़ भी है वहाँ पे उस साइड में ज़बरदस्त। सो यहाँ पे 1-2 और वहाँ पे 2-3 ब्रिज दिख रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कह सकता हूँ कि आंध्र प्रदेश में बहुत नदी है, बहुत पानी है, इसलिए शायद से चावल ज़्यादा होता है यहाँ पे, हो सकता है। पार्किंग ज़बरदस्त। सो होटल का नाम है हरियाणा राजस्थानी चौधरी होटल, ड्राइवर भाई क्या बात है, इधर लगता है डबल स्टैंड पे करना पड़ेगा पार्किंग। ओहो ओके नाउ 1 2 3 गो हो गया। हम इस ढाबे के पास रुक गए हैं और मेरा GoPro का हीरो 5 का जो बैटरी है वो हो चुका ख़राब, अब मतलब इसका रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। बैटरी के ऊपर ना एक ये पॉइंट रहता है कि बैटरी को पकड़ के बाहर खींचने के लिए, लेकिन अपना हीरो 5 का बैटरी तो फूक गया है, तो एक बार अंदर डाला तो बाहर निकलना नामुमकिन है, तो अब वो एक ही बार अंदर जाएगा फिर बाहर पता नहीं कैसे आएगा। तो वैसा बैटरी मुझे कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम में देखना पड़ेगा। यहाँ कुछ बैठने का ये तरीका, तो ऐसे तो लोग ज़्यादातर बिहार में ज़्यादा ऐसे बैठते हैं, मतलब इस चारपाई पे ऐसे बिहार में बैठते हैं, और ऑलमोस्ट यहाँ पे ना ज़्यादातर हिंदी में नाम है, यूपी बिहार ढाबा राजस्थानी ढाबा, गुजराती तो नहीं राजस्थानी, क्योंकि ट्रक वाले ज़्यादातर राजस्थान से भी आते हैं, और पंजाबी ढाबा,
ये चार पांच नाम के ढाबे आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो मेरे पास ना अभी GoPro का यहाँ पे तीन बैटरी, जिसमें एक दो हीरो 8 का है, एक हीरो 5 का। अब ये जो ऊपर का टूट गया है ना, अब ये इससे ये दिक्कत होगा कि GoPro का बैटरी GoPro में जब लगाऊंगा तो बाहर निकाल नहीं पाऊंगा और ये फूकने लगा है। एक सेकंड एंगल अपना बंद हो सकता है, लेकिन उसमें मुझे उसे बंद नहीं करना। अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको सेकंड एंगल कैसा लगता है जब जॉइंट कट जॉइंट होता है। तो सो कह सकता हूँ कि आखिरी बार रिकॉर्डिंग हो रहा है इस कैमरे में, इसके बैटरी की पूरी बैंड बच चुकी है। और दोस्त थोड़ा मदद करना, देखना गाड़ी गिरेगी तो पकड़ना। आजा 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 इधर आजा, तू फोटो बाद में लेना, पहले गाड़ी उतार लेने दे मेरे को। रुक जा, छोट ये नहीं ये नहीं ये नहीं, हाँ बस चलेगा। चलू मैं? यस ओके। सो अब हम निकल रहे हैं भाई साहब, अब यहाँ से विशाखापट्टनम 150 किलोमीटर, वो देख रहे हो एरिया। अगर मैं वहाँ पे नहीं नहाता तो यहीं पे आके नहाता, क्योंकि सारा प्लान सेट है यार, कैसे कैसे चलना है, कहाँ फ्रेश होना है, कहाँ खाना है। इसने खाना अच्छा दिया, बट दाल बहुत ज़्यादा दिया था, तो दाल आधा तो वापस हो गया। दाल 80 रुपये का, 2 रोटी 20 रुपये का। ये आगे कितना बड़ा हनुमान जी का मूर्ति है, अभी लगता है कि नया नया ही बन रहा है, फिर यार तो नया पेंट हो रहा है। जल्दी हम सामने से देखते हैं, और ये बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा। तो इनका लगता है डेंटिंग पेंटिंग चालू है नया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, ये मुझे बचपन की याद दिलाता है। बस में ट्रैवलिंग करता था तो ये लोग बेचने आते थे, बचपन की याद आती है सब देख के। रहेगा मतलब सेम लद्दाख जैसा रहेगा, कश्मीर जैसा रहेगा। देखो इडियट ने थैली बाहर फेंक दिया, अपने कार में नहीं रख सकते थे? हाँ पढ़े लिखे हो, इतना इतनी बड़ी गाड़ी है, लेकिन कचरा तो हमें कहीं भी फेंक देना है। लो भाई, आजकल के पढ़े लिखे को ही नॉलेज नहीं है कि भाई एक एक चॉकलेट का एक प्लास्टिक का थैली भी अगर हम बाहर फेंकते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब बेवकूफ़ी है, वैसा नहीं करना चाहिए। यहाँ से क्या नज़ारा दिख रहा है यार, ये पूरा एरिया हरा भरा है, पूरा का पूरा एरिया। और नीचे देखो मतलब पानी से भरा हुआ नदी दिख रहा है यहाँ पे, पीछे कितना सारा सूखा नदी था। यहाँ पे ये पूरा का पूरा एरिया हरा भरा दिख रहा है, पूरा का पूरा एरिया। सो टाइम है अब नारियल पानी पीने का। नारियल पानी पीने के लिए हमें निकालना पड़ेगा चाकू, और इस चाकू से हम अपना एक नारियल पानी निकालेंगे। विच वन? ये मुझे थोड़ा ये संभल के काटना पड़ेगा कि ये ख़राब ना हो जाए। ओके इतना मज़ा कहीं नहीं। एक और है, उसे बाद में पियेंगे हम। तुम सपने आए, तुमने सपा दिल सोता आए। ट्रैफिक में पता नहीं क्या हो जाता है, मैं इतना ऐसा अनबैलेंस गाड़ी चलाने लगता हूँ ना ट्रैफिक में। और ये एक बहुत बड़ा जंजाल है भाई, मतलब उधर ब्रिज है, इधर ब्रिज है, वहाँ हाईवे ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ हाईवे ज्वाइंट हो रहा है। विशाखापट्टनम GPS में यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो अलग, कहाँ लिखा है यार विशाखापट्टनम, कहाँ लिखा है भाई? विजयवाड़ा उधर, विशाखापट्टनम इधर। हाँ सो ये हम विशाखापट्टनम के पास, यहाँ पे मैं इस मार्क को ऐड कर लूँ। फाइनली विशाखापट्टनम पहुँच गए हम। क्या बीच लोकेशन है भाई, ओनली 21 किलोमीटर। चलो अभी यहाँ से 20 किलोमीटर विशाखापट्टनम है, और उसके बाद है हमारे नए दोस्त जो हमें कांटेक्ट से मिले हैं, जिनके पास हम आज रहने वाले हैं। वो दो दिन से कांटेक्ट में थे कि विशाखापट्टनम आना, तो हमारे यहाँ पे आना। और भी बहुत सारे हमारे दोस्त जो कांटेक्ट में हैं, बन रहे कि हमारे यहाँ पे आना, तो भाई जो पहले कांटेक्ट कर लिया उनके पास चले गए। तो अभी यहाँ पे पहली चाय पियेंगे। इतने सारे टी है यहाँ पे कि मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैंने इलायची वाली टी बोल दी है, जो कि 20 रुपये की है। वैसे आज लाइफ में जितनी नारियल पानी पी ना, उतनी नारियल पानी मैंने और कभी नहीं पी रहेगी। और मौसम भी सही है यहाँ का, एकदम समंदर के पास आ गए हैं हम। यहाँ पे चाय का ग्लास कुछ इस तरह है, और चाय बहुत ही अच्छा, मतलब टेस्टी चाय होती। हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है कि साउथ का मैं चाय पी रहा हूँ,
और जो हवा आ रहा है ना शाम का हवा बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। ड्यूटी आई टेल यू ना, आई एम अ फोटोग्राफर। यू वॉचिंग यूट्यूब? आई हैव अ यूट्यूब चैनल सर, बुलेट सिंह बोई सर। सो फाइनली हम इन्हें समझा पाए, कब से मुश्किल हो रही थी। सो यू वॉच ऑन यूट्यूब बुलेट सिंह बोई सर, ऑल इंडिया राइट? यस। किन्ने कितना तोला है? नकली वाला है? अच्छा, कोई छीन के ना, कोई असली समझ के छीन के ना लेके भाग जाए। मैं मुंबई से हूँ। आप लोग कहाँ से हो? छत्तीसगढ़ से हो? क्या बात है, गया हूँ छत्तीसगढ़, गया हूँ मैं। कहाँ से हो सर आप? मैं मुंबई से। यस। चैनल का नाम है इनका, यूट्यूब चैनल का नाम है बुलेट सिंह भाई सर। तुम्हारा कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा है यार, एक बार ऐसे सब्सक्राइब करना, इनका ब्लॉगिंग चैनल देखना। क्या बात है यार। आपका कौन से रूम में जाना हो रहा है सर? हाँ, मैं आज भी विशाखापट्टनम में रहूँगा, रिकॉर्डिंग बंद हो गया। चलो जबरदस्त, ओके, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ओके, तो विशाखापट्टनम लोकेशन 41 किलोमीटर, और शाम सुहाना, मुझे घर है जाना। सो आ गए हम HP पेट्रोल पंप, और यहाँ पे प्राइस क्या है, 119 रुपये, 119 रुपये, 4 रुपये तो नहीं, मीन्स लाइक 3 रुपये कम है यहाँ पे। ओके, जीरो। विशाखापट्टनम में काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक है, और पब्लिक बहुत सारे, सब यंगस्टर हर जगह दिख रहे हैं, अच्छा दिख रहा है, क्राउडी क्राउड है। हाँ, घुस जाओ आगे, ज़बरदस्त एकदम। 12 किलोमीटर के लिए 30 मिनट, अच्छा आपको भी जाना है। हेलो। बस फॉलो करते रहो भाई, बहुत लंबा जाल है यहाँ पे रास्ते का, मतलब इतना इतना रास्ता है भाई। हाय, हेलो, हाउ आर यू? यहाँ पे डाल दीजिए। हेलो, पीछे पीछे, ओके ओके। यहाँ पे एग्जैक्ट हिमालयन है। दिस इज योर बाइक? ओह, एंड यू लुक लाइक माय फ्रेंड। सो इस पे लंबा राइड कितना गए हैं आप दूर? यहाँ छत्तीसगढ़ तक? क्या बात है, मैं भी गया हूँ छत्तीसगढ़, अच्छा है। डन, ऑल सेट, यस। हाँ, ये एंगल मुझे भी अच्छा लगा, आपके जैसे ना, सेम मेरे एक दोस्त है डेविड, डेविड नाम है उनका, सेम आपके जैसे वो, मैं फर्स्ट टाइम देखा ना डेविड भाई यहाँ पे। वो अभी कन्याकुमारी में, तो फ़ोन किया, आ जा कन्याकुमारी में, बोला बहुत दूर आ गया हूँ, अभी तो नहीं आ सकता मैं। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा ड्रोन शॉट दिख रहा है यार, बहुत मस्त। ये हम व्लॉग देख रहे हैं अपने दोस्त का, जिनके घर पे हम आए हैं यहाँ पे, और उन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे, और हम आए, और ये देखिए इतने सारे गैजेट्स सिर्फ व्लॉगिंग के लिए, मतलब व्लॉगिंग का इतना बुखार आ गया ना कि भाई सारा सामान लेके रखा है कि व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे सारा सामान घर में आता है। ये भाई कौन से ब्रांड का दूध है यार, मतलब ये कुछ नया दिख रहा है। सो मैं किचन में व्लॉगिंग करने आ रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये कौन से ब्रांड का दूध आता है यहाँ पे, ऐसी लोकल अच्छा रहते हैं। ओह, सो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा मास्टर शेफ, क्या कटिंग किया है प्याज, क्या बात है। और यहाँ पे रोटी गर्मा गर्म हो रही है, तो भाई कह सकता हूँ दो दिन के बाद घर का खाना, अच्छे से 2 दिन खाऊंगा, अच्छे से खाना कि आगे राइड में बहुत मजा आ जाए। सो कल जो है हमारे कुछ चेहरे का थोड़ा सा रंग रूप चेंज होगा, और यहाँ पे भाई गर्मा गर्म खाना आ रहा है घर का। आज मेन्यू में कुछ ज़्यादा ही ऐड है। सो यहाँ पे अभी तक मैंने आपको इनका नाम नहीं बताया, तो इनका नाम विवेक, विवेक भाई, और विवेक भाई के छोटे भाई कार्तिक भाई। सो ये हमारे अभी समझो अपने फैमिली मेम्बर हो गए, बड़े भाई हो गए। सो स्पेशली खाना यहाँ बना है, और एक दिन हम यहाँ पे हैं इनके साथ। कल हम बड़े भाई और छोटे भाई के साथ घूमेंगे विशाखापट्टनम,
भूख लगी है, मोहब्बत है, प्यार है आपका, भाई का और हमारे सभी बीएसबी फैमिली का। यहाँ पे मैं आपका बिल्कुल ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। यहाँ पे ये क्या है? ये रायता है, ये स्पेशल रायता है, ये अंडा भुर्जी, ये चिकन, यहाँ पे राइस और यहाँ पे स्पेशल रोटी भी बन गया भाई। क्या बात है, मतलब मास्टर शेफ बन सकते हो यार, मतलब कर सकते हो मास्टर शेफ का, कुकिंग का भी, कि आप कैसे खाना बना सकते हो स्पेशली इतना। और आपने भी बहुत हार्डवर्क किया अंदर, मैंने देखा वो जो कांदा कट किया तो इसमें गया है ना? हाँ, इसमें है, इसमें। आप समझ गया मेरे को, इसलिए इतनी मेहनत हुई थी। अब फटाफट हम खाते हैं, एक मिनट रोटी खा लेता हूँ फिर राइस खाता हूँ। वाह, इतना स्वादिष्ट और इतना टेस्टी सब कुछ बना है। ये देखो यहाँ पे मैंने कैमरे को उल्टा पकड़ा है और उल्टे हाथ से पकड़ा है और यहाँ पे साथ बैठ के खा रहे और हवा भी क्या आ रहा है वहाँ से यार। कौन से फ्लोर पे हम लोग? थर्ड फ्लोर पे। अच्छा हवा आ रहा है और ये रायता बहुत शानदार है, मस्त मस्त। भाई अगर घर मिल जाए तो मैं ऐसा सोता हूँ कि भाई व्लॉग लेट हो जाता है, सो मैं बहुत अच्छी नींद लिया। रात को 2 बजे उठ गया था, 5 बजे उठ गया था, 6 बजे उठ गया था, लेकिन वापस सो गया था क्योंकि नींद के लिए। और सपने भी देख रहा था कि मैं भूसर पहुँच गया हूँ क्लास में, चैंग से बातें बातें हो रही, आनंद सर से बातें बातें हो रहा है, क्लास बहुत अच्छा बन गया है, ये मैं सब सपने में देख रहा था। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं कि फटाफट दूसरा व्लॉग मैं स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारे हम विशाखापट्टनम से दोस्त फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो वो पूरी कोशिश करूँगा सभी से मिलने के लिए। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करके जाना, यस, और दूसरे को शेयर कर देना। मिलते हैं जल्दी दूसरे व्लॉग में गाइस, बाय।